हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स। इसका आज हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख लीजिए। उसी के साथ साथ जो ये पूरी लेक्चर सीरीज होगी हमारी कंप्यूटर नेटवर्क्स पर, वो आपके आने वाले एग्जाम NAC NILIT और आपके IBPS IT SBI IT सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर पूरी लेक्चर सीरीज हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना मत भूलिए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट रिलेटेड फ्लाई है क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस देखिए, जो कम्युनिकेशन होता है आपका दो डिवाइसेस के बीच में, तो वो बेसिकली आपका तीन टाइप का हो सकता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डेटा फ्लो, यानी कि डेटा के फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है और बाईडायरेक्शनल भी हो सकती है, और उसी के आधार पर हम इनको तीन टाइप में क्लासीफाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की। तो सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है आपका वो आप कह लीजिए वो होगा आपका यूनिडायरेक्शनल। और यूनिडायरेक्शनल को आप समझ सकते हैं जैसे कि एक वन वे स्ट्रीट है। वन वे स्ट्रीट में क्या है इसमें कि दोनों ही डिवाइसेस में से सिर्फ एक ही डिवाइस जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है जबकि दूसरा केवल रिसीव करेगा। ठीक है, जैसे कि ये आपका डिवाइस है ए, ये डिवाइस है आपका बी। अगर आपका डिवाइस ए जो है वो सिर्फ ट्रांसमिट करेगा तो डिवाइस बी आपका सिर्फ रिसीव करेगा। तो डायरेक्शन आपकी क्या होगी डेटा फ्लो की, वो इस टाइप से होगी, ये ट्रांसमीटर है आपका और ये रिसीवर है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि आपका ये सपोज कीजिए CPU है, उसके साथ में आपको पता है आपका मॉनिटर कनेक्टेड होता है और CPU के साथ कनेक्टेड है आपका कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो है और जो आपका मॉनिटर है, ये आपके एग्जांपल हैं सिंप्लेक्स मोड के। अब यहाँ पर होगा क्या, जो आपका कीबोर्ड है आपको पता है ये इनपुट डिवाइस है तो ये सिर्फ आपके इनपुट को इंट्रोड्यूस करेगा, जबकि जो आपका मॉनिटर है वो ओनली आउटपुट को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये सिंप्लेक्स मोड का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिसको आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, यानी कि सिंप्लेक्स मोड में जो पूरे के पूरे चैनल की कैपेसिटी होती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लग जाती है, और वो डायरेक्शन क्या है, डेटा को सेंड करने में, यानी कि कीबोर्ड से आपके मॉनिटर की तरफ पूरे के पूरी चैनल की कैपेसिटी इसी में लग जाएगी कि आप डेटा को सेंड कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, काफी इजी करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उसके बाद बात करते हैं कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। तो हाफ डुप्लेक्स बेसिकली आप कह सकते हैं ये आपके बाईडायरेक्शनल होते हैं। इसमें क्या है, हाफ डुप्लेक्स में दोनों ही जो स्टेशन है, ठीक है, दोनों ही स्टेशन आपके ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। लास्ट केस में आपने देखा एक ट्रांसमिट करेगा तो दूसरा रिसीव करेगा। अब इसमें आपके दोनों ही ट्रांसमिट और रिसीव तो कर सकते हैं लेकिन एक समय पर नहीं। ठीक है, एक समय पर नहीं का मतलब क्या है, अगर सपोज कीजिए यह आपका कोई वर्क स्टेशन वन है और ये आपका टू है। ठीक है, वर्क स्टेशन आपका ये वन है और ये आपका वर्क स्टेशन टू है, तो दोनों ही कैपेबिलिटी है कि ट्रांसमिट भी कर सकते हैं रिसीव भी कर सकते हैं लेकिन एक टाइम पर नहीं। यहाँ पर क्या होगा, जब आपका एक डिवाइस सेंड कर रहा होगा, सपोज कीजिए आपका वर्क स्टेशन वन सेंड कर रहा है तो उस केस में आपके वर्क स्टेशन टू को रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में जो डायरेक्शन होगी आपके डेटा फ्लो की वो इधर होगी, यानी कि वर्क स्टेशन वन से वर्क स्टेशन टू की तरफ। और अगर हम कहें कि अगर आपका वर्क स्टेशन टू सेंड कर रहा है तो उस केस में वर्क स्टेशन वन को रिसीव करना पड़ेगा, और उस केस में जो डायरेक्शन होगी डेटा की वो इस टाइप से होगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाफ डुप्लेक्स सिस्टम में क्या होता है। अब बेसिकली इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वॉकी टॉकी। अगर आपने देखा होगा वॉकी टॉकी, जैसे हमारे पुलिस में जो विभाग है उन सभी के पास होती है, तो उसमें क्या होता है कि दो वॉकी टॉकीज हैं। अगर आपके एक वॉकी टॉकी वन है, ये टू है, तो अगर एक से आपको कोई मैसेज सेंड करना है तो दूसरे को सुनना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर ये आपका कोई मैसेज सेंड करेगा तो दूसरा सिर्फ रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपके हाफ डुप्लेक्स सिस्टम का।
अब उसके बाद बात करते हैं कि फुल डुप्लेक्स सिस्टम आपका क्या होता है। तो देखिए फुल डुप्लेक्स सिस्टम जो है, या कह सकते हैं कि ये ट्रूली आपका बाई डायरेक्शनल सिस्टम है। इसमें क्या होता है, जो दोनों ही आपके स्टेशंस हैं वो ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। लास्ट हमने टॉपिक में देखा कि ट्रांसमिट और रिसीव तो कर सकते हैं लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं। यहाँ पर क्या होगा कि ये है आपका वर्क स्टेशन वन और ये है आपका वर्क स्टेशन टू। तो यहाँ पर क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी आपके डेटा फ्लो की वो दोनों ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है, मतलब दोनों ही साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और दोनों ही साइमल्टेनियसली रिसीव भी कर सकते हैं। तो फुल डुप्लेक्स मोड को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, ये है आपका एक तरीके से टू वे स्ट्रीट। ठीक है, टू वे स्ट्रीट है जिसमें जो आपका ट्रैफिक है वो दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जैसे आपने देखा है ये आपकी टू वे स्ट्रीट है। ठीक है, तो डायरेक्ट कुछ गाड़ियां जो हैं वो इधर से इधर जा रही हैं और कुछ इधर से इधर जा रही हैं, साइमल्टेनियसली आपका होता रहता है, आपने हाईवेज वगैरह पर देखा होगा। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको एनालॉजी समझा रहा हूँ, तो आपको इस तरीके से आप इसको फुल डुप्लेक्स सिस्टम को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। अब फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, जो आपका सिग्नल है एक डायरेक्शन में अगर जा रहा है, ठीक है, तो वो आपके चैनल की कैपेसिटी को शेयर करता है जो आपका सिग्नल दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चैनल की जो कैपेसिटी है वो शेयर की जाती है। अब शेयर आपकी दो तरीके से कर सकते हैं हम, एक तो ये है कि हम दो फिजिकली सेपरेट ट्रांसमिशन पाथ अपने यूज़ कर लें। सेपरेट ट्रांसमिशन पाथ का मतलब क्या है कि दो हम वायर यूज़ कर लें जिसमें हम क्या करें, एक सेंडिंग के लिए हो जाए आपका और दूसरा आपका रिसीविंग के लिए हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, आपका चैनल की कैपेसिटी ये अलग अलग है, ठीक है, डिवाइड होगी। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि एक ही हम सिंगल यूज़ करें, ठीक है, और उस केस में क्या होगा, जो आपकी चैनल की कैपेसिटी है वो डिवाइड हो जाएगी रिसीविंग में भी और ट्रांसमिटिंग में भी। तो इसका जो आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है, जो कॉमन एग्जांपल हो सकता है वो है आपका जो घर में लैंडलाइंस वगैरह होते हैं आपका टेलीफोन नेटवर्क्स में, तो टेलीफोन नेटवर्क्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब जब भी आप टेलीफोन नेटवर्क्स में क्या है, दोनों ही डिवाइस जो हैं उसमें आप एक बंदा अगर बोल रहा है तो दूसरा सुन भी रहा है, उसी तरीके से दूसरा बोल रहा है तो उसी के साथ पहले वाला सुन भी रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका। इसके मैं अब आपको कुछ और एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे कि डुप्लेक्स क्या और क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका रडार। ठीक है, रडार भी एक आपका फुल डुप्लेक्स, यानी कि जिसे हम, अच्छा फुल डुप्लेक्स को हम सिर्फ डुप्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो डुप्लेक्स का एक एग्जांपल है, रडार हो सकता है, सोनार हो सकता है, उसी के साथ साथ आपके लोकल एरिया नेटवर्क्स हो सकता है जिसके बारे में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जिसे हम लैन भी बोलते हैं। तो ये सभी एग्जांपल हैं आपके फुल डुप्लेक्स सिस्टम के। इनसे रिलेटेड देखिए एमसीक्यूज भी बन जाते हैं कि आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कह दिया जाएगा फुल डुप्लेक्स कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो आपको इस वे में भी सोचते हुए चलना है। उसी के साथ साथ अगर देखिए मैं सिंप्लेक्स आपके कम्युनिकेशन की बात करूँ, सिंप्लेक्स मोड की बात करूँ, तो उसका एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया था। दूसरा इसमें और हो क्या सकता है, जैसे एफएम और एएम की ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है, उसी तरीके से जो आपके टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, आपके घरों के अंदर जो टीवी सेट हैं वो जाहिर सी बात है वो रिसीव कर रहे हैं आपका, जबकि आपको जो सिग्नल है वो कहीं और से आ रहा है। तो ये भी आपका एग्जांपल है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। उसी तरीके से एक और एग्जांपल हो सकता है इसका, जो लास्ट फ्यू डिकेड्स में चलते थे पेजर्स वगैरह आपके, और आपके म्यूजिक सर्विसेज हो गई, टेलीमेट्री हो गई, तो काफ़ी एग्जांपल होते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ, इनसे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज भी बन जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों ही टाइप के कम्युनिकेशन आपके सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, कि कनेक्शंस के क्या टाइप होते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर अगर डिस्कस करना है नेटवर्क के बारे में, तो उससे पहले थोड़ा सा हमें समझ लेनी है कुछ और कॉमन टर्म्स, जैसे कि टाइप्स ऑफ कनेक्शन क्या होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको नेटवर्क के बारे में बता दूं, आगे हम इनके आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो नेटवर्क क्या है आपका, कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेज जो हैं अगर वो किसी लिंक के थ्रू कनेक्टेड हैं तो वो आपका सिंपल कहलाता है नेटवर्क।
अब लिंक क्या है आपका, लिंक भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो लिंक आपका एक तरीके से आप कह लीजिए आपका पाथवे है, ठीक है। पाथवे क्या होता है, जैसे आपकी घर आपने देखा होगा सड़कें होती हैं, तो सड़कों का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आपको भेजना, आपके वाहनों को भेजना, आपके सामान को भेजना। इसी तरीके से जो आपके लिंक है वो भी आपके पाथवेज हैं। तो ये क्या ट्रांसफ़र करते हैं, ये बेसिकली ट्रांसफ़र करते हैं आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह, या आप कह लीजिए एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस में। तो लिंक को आपको समझना है पाथवेज के तरीके से। और विजुअलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि ये एक डिवाइस है, ये दूसरा डिवाइस है, ये ए है और ये बी है। तो हम इनके बीच में अगर हमें लिंक दर्शाना है तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका दर्शाएगा कि इनके बीच में लिंक है, ठीक है। अब ये जो लिंक है आपका वो काफ़ी टाइप का हो सकता है, जिसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका वो है आपका पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, ये है आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है कि एक डेडिकेटेड लिंक होता है दो डिवाइसेस के बीच में। देखिए जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ए और बी, तो इनके बीच में एक डेडिकेटेड लिंक है, यानी कि ये जो लिंक है ये सिर्फ इन दो ही डिवाइसेस के लिए है, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं कि जो पूरी की पूरी कैपेसिटी होती है लिंक की, वो रिजर्व होती है आपके इन दो डिवाइसेस के बीच में ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। आपको पता है कोई और डिवाइस इसमें कनेक्टेड है ही नहीं, तो ये जो दो डिवाइसेस हैं यही इस पूरे लिंक का फायदा उठाएंगे, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है, हम बेसिकली यूज करते हैं एक तरीके से आप कह लीजिए जो आपका वायर या फिर केबल होती है, फिजिकल वायर, वो हम यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यही यूज़ करते हैं, हम और कोई टाइप का लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम माइक्रोवेव लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, सैटेलाइट लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं कि कोई वायर कनेक्ट कर देते हैं, एक एंड से ये वाला डिवाइस कनेक्ट है, दूसरे एंड से आपका दूसरा डिवाइस कनेक्ट है। तो ये आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। अब इसका रियल लाइफ में अगर हम एग्जांपल देखें तो होता क्या है, देखिए जैसे आपके घरों के अंदर टीवी है, ठीक है। टीवी में होता क्या है आपका कि जब आपको चैनल चेंज करने होते हैं, तो चैनल आप कैसे चेंज करते हैं, आपके पास एक रिमोट होता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, जो आपका रिमोट है और टीवी हैंडसेट है, इनके बीच में है आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक है। आपको चैनल चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो आप इस रिमोट के माध्यम से अपना चेंज करते हैं। तो इन दोनों की डिवाइसेस के बीच में है आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं एक और टाइप ऑफ कनेक्शन के बारे में, जिसे हम कहते हैं मल्टी पॉइंट, या जिसे हम और नाम से जानते हैं मल्टी ड्रॉप कनेक्शन। अब मल्टी ड्रॉप कनेक्शन में होता क्या है आपका, मल्टी ड्रॉप कनेक्शन में क्या होता है, मोर देन टू स्पेसिफिक डिवाइस जो होते हैं वो आपकी पूरे के पूरे जो लिंक है, यानी कि एक जो सिंगल लिंक है उसको शेयर करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा डिवाइसेस। इसके देखिए एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे आपका है एक आपका सीपीयू या फिर आपका मेन फ्रेम, इस ये आपका एक सिंगल लिंक है, ये आपका लिंक है। इसके साथ में क्या है, आपके काफ़ी सारे वर्क स्टेशन जुड़े हुए हैं। ये वर्क स्टेशन वन है, ये टू है, ये थ्री है। तो मल्टी पॉइंट में क्या हो रहा है, आपका एक सिंगल लिंक को काफ़ी सारे आपके जो वर्क स्टेशन है वो यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या होगा, मल्टी पॉइंट इन्वायरमेंट में जो चैनल की कैपेसिटी है वो शेयर्ड की जाएगी आपकी इधर स्पेशली और या फिर आपकी टेम्पोरली। अब इन दोनों ही के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेशली में क्या होगा और टेम्पोरली में क्या होगा। देखिए अगर आपके काफ़ी सारे डिवाइसेस जो हैं वो शेयर कर रहे हैं इस लाइन को साइमल्टेनियसली, तो हम कहेंगे कि ये है आपका स्पेशली शेयर्ड कनेक्शन, ठीक है। एक ही लाइन को अगर सभी जितने वर्क स्टेशन है वो साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहे हैं तो ये है आपका स्पेशली शेयर्ड कनेक्शन। और अगर आपका यूज़र जो है, यानी कि वन टू थ्री, ये आपका
मतलब टर्न के हिसाब से, मतलब पहले ये इस्तेमाल करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, अगर इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसको कहेंगे आपका टेम्पोरेरली शेयरिंग कनेक्शन। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट या फिर मल्टी ड्रॉप कनेक्शन क्या होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ होता है, अगर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बात करें तो इनको समझना भी आपको ज़रूरी है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करके हमें बताइए, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है, आपके लिए और ज़्यादा लेक्चर लाने का हम प्रयास करते हैं। शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स आपके लिए हैं उतना ही आपके दोस्तों आपके जानने वाले लोगों के लिए हो सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर भी मिलेगी, जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के लेक्चर्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का समय शुभ रहे, थैंक यू वेरी मच।